हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज हमारा चेकआउट होने वाला है। तो चेकआउट करने से पहले, ब्रेकफास्ट करने से पहले मैं बाहर आई थी बालकनी में, तो रिवर राफ्टिंग हो रही थी, तो वो सब देख रही थी। बहुत अच्छा लगता है, बट जितनी बार देखा उतना कम लगता था मुझे। बार बार बस गंगा का व्यू मुझे देखने को मिल जाए, यही बस अच्छा लगता था। तो बस ये सब अपना देख कर और आपके साथ शेयर करी ऋषिकेश की कुछ क्लिप्स, आपको उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगी होंगी। तो चलो चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट करने जाने से पहले मैंने थोड़ी सी पैकिंग कर दी थी, बाकी की पैकिंग मैं ब्रेकफास्ट के बाद करूँगी। तो क्योंकि टाइम भी बहुत थोड़ा सा लेट हो रहा था, और बस आज ब्रेकफास्ट में हमने खाए थे काले चने, पूरी और इडली सांभर, और एक खिचड़ी जैसा कुछ बना हुआ था, मैं भूल गई इसका नाम, वो था। और मैंने कोकोनट की चटनी भी खाई थी, और साथ में ये वड़ा जो होता है सांभर वड़ा, ये सब टेस्ट किया था। तो हम जहाँ रामझूला गए थे ना, वहाँ पे हमने वहाँ से कुछ शॉपिंग करी थी। वहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स हैं। वहाँ से एक ये छोटा सा पर्स लिया है, जिस पे ये टेडी बना हुआ है। एक सेम ऐसा और है, परमार्थ आश्रम गए थे। वहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स हैं, और वहाँ पे गंगा आरती भी होती है। और एक ये स्ट्रॉबेरी बना हुआ है, सेम है ये दोनों। ये 200 ईच था। और ये ब्रेसलेट लिया, ये थोड़ा डार्कर शेड है, ये लाइटर है। और ये कुछ ब्रेसलेट्स लिए हैं, एक अनाया ने पहन रखा है, एक और ये बाकी ये हैं। अनाया को ये बहुत अच्छा लगा था, रुद्राक्ष वाला। ये कितने के मिले थे? 50-100 ऐसे ही थे सारे, है ना। ये अनाया को गणेश जी बहुत प्यारे लगे थे, ये अपने स्टडी टेबल पे रखना चाहती है, इसलिए इसने लिए छोटे से। तो ये गणेश जी हो गए। और ये एक है ड्रीम कैचर, ये ड्रीम कैचर है, बहुत ही प्यारा है। नाया ने अपने रूम के लिए लिया है, छोटा सा है ये। इसे बुरे सपने नहीं आते, ऐसा कहना है, बाकी मुझे पता नहीं। और ये जोत लिए हैं, ये 100 ईच है। एक मैंने अपनी मम्मी ले लिए और एक अपने लिए, बस। और कुछ रह गया? हाँ, एक मैंने कृष्णा जी की ड्रेस ली है, इस पर राधे राधे लिखा हुआ है। ये सिंपल सी है बिल्कुल, गर्मियों के हिसाब से लिए मैंने, बस। और कुछ नहीं लिया था, बस ये थी छोटी सी शॉपिंग। और शॉपिंग करने का टाइम बचा भी नहीं था ज़्यादा, थोड़ी सी शॉपिंग करी थी, और भूख भी लग रही थी। 7:30-8 ऐसे ही कुछ टाइम हो चुका था। तो होटल पहुँचते 8 बजी गए थे, और बहुत अच्छा रहा हमारा यहाँ का ट्रिप। और नेक्स्ट टाइम हम फिर से यही कोशिश करेंगे कि ऋषिकेश आ जाए। बहुत अच्छा लगा ऋषिकेश आके, फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं तो। मनु पहले आए हुए हैं, पहले फ्रेंड्स के साथ आए थे, है ना। मैं 2-3 बार आ चुके हैं, मनु 2-3 बार आ चुके हैं फ्रेंड्स के साथ। पहले मनु बाइक पे आते थे, फैमिली के साथ भी आए, और फैमिली के साथ भी आए हुए हैं। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। ये भी रख दे ड्रेस, ये ले, ये भी रख दे। तो बस ये था, अब हम बस थोड़ी देर में निकलने लगे हैं। हमारा चेकआउट टाइम हो चुका है, अभी वो लगेज लेने के लिए आ जाएंगे, फिर हम चले जाएंगे। अनाया भी रेडी है, और मनु भी रेडी है, रेस्ट कर रहे हैं। तो हमने एक्स्ट्रा बेडिंग भी करवाई थी इस रूम में भी, और इससे पहले वाले रूम में भी। पता नहीं मैंने आपको पहले बताया कि नहीं। तो हमारा लगेज जा चुका है, और अब हम भी जा रहे हैं नीचे। और नीचे जाने से पहले मैं एक बार और गंगा का व्यू देख के जाऊँगी। ब्यूटी ऑफ ऋषिकेश। तो चलो चलते हैं अपने होम स्वीट होम। घर तो वापस जाना ही होता है, और थोड़ा सा तो एक दिन के लिए बुरा लगता ही है वापस जाके, बिल्कुल दिल नहीं लगता, सच्ची बता रही हूँ। रास्ते में मुझे जब तक हिल्स नज़र आए, मैं तब तक हिल्स को देखती रही। बहुत अच्छा लगता है मुझे, बस रास्ते में मुझे हिल्स नज़र आते रहे, और कुछ नहीं चाहिए। बहुत सुकून मिलता है ऐसी जगह पे आके। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ऋषिकेश आके। और आपको मेरे ऋषिकेश के व्लॉग्स कैसे लगे मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना।
और कुछ भी आपको डिटेल चाहिए हो ऋषिकेश की, के राम झूला कितना नज़दीक है लेमन ट्री होटल के, वैसे तो बहुत लोगों को पता होगा लेमन ट्री होटल का, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ भी पूछना हो, रूम के क्या चार्जेस हैं वगैरह वगैरह, तो वो मैं आपको ज़रूर डिटेल में बता दूंगी, उसकी आपके साथ वीडियो भी शेयर कर दूंगी अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करोगे तो। तो हरिद्वार हम पहुंच गए थे और यहाँ से हम ले रहे थे प्रसाद और गंगा जल। वैसे तो गंगा जल हम ऑलरेडी ले चुके हैं, लेकिन मैंने सोचा एक बॉटल और ले लेते हैं, किसी को चाहिए होगा तो हम दे देंगे। यहाँ लेकिन ये बहुत अजीब लगे, नहीं नहीं ये भी अच्छे लगते हैं, इसके रख के खा ले। चॉकलेट सॉस लेने ही मिलते उनसे, सॉरी वो चॉकलेट सिर्फ। तो जब हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे होटल में, तो कृष्णा जी के लिए मैंने भोग लगाने के लिए डोनट लिए थे, तो ये 2-3 डोनट मैंने ले लिए थे, पैक करा लिए थे और रास्ते में हमने खाए थे। फिर अब एज अ प्रसाद हम खा रहे हैं। और ये देख लो, अब आप हरिद्वार का भी एक व्यू देख लो, बहुत ही प्यारा है हरिद्वार भी। तो अब नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों ही विज़िट करेंगे, ये मेरा मतलब एक टारगेट है, मुझे इन दोनों को विज़िट करना है अच्छे से। हमने पहले सोचा था कि हम जाते वक्त भी ना मामा यादव ढाबा पे रुकेंगे, लेकिन सोचा कि चलो अब कुछ और एक्सप्लोर करते हैं, तो वही एक्सप्लोर करने के लिए आए थे। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैकडी है, कैवेंटर्स है, हल्दीराम है, और भी बहुत कुछ है, चाय का ये नुक्कड़ करके कुछ नाम था, बहुत कुछ है यहाँ पे। एक प्रॉपर पब्लिक वो वॉशरूम भी बना हुआ है जिसे आप यूज़ कर सकते हो, और एकदम नीट एंड क्लीन है, तो यहाँ पे भी ज़रूर विज़िट करना, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी यहाँ की। और भी बहुत कुछ था यहाँ पे, मैं जितना जल्दबाजी में आपको दिखा सकी वो मैंने आपको दिखाया। और यहाँ जहाँ पे लिखा हुआ था ना नमस्ते इंडिया करके, तो वहाँ पे मैंने एंटर करके देखा, तो यहाँ पे इस तरीके से बना हुआ है, और बहुत ही एक विलेज टाइप फील आई थी यहाँ पे आके, बहुत अच्छा लगा मुझे कंसेप्ट इनका। और मैंने अच्छे से तो खैर नहीं देखा था, जितना मैंने वीडियो बनाते बनाते जो जो देखा बस वही साथ साथ देखती रही, उतना ही देखा, इससे ज़्यादा मैंने कुछ भी एक्सप्लोर नहीं किया था। लेकिन यहाँ पे कुछ क्लोथ्स भी मिल रहे थे, एक प्रॉपर शॉप बनी हुई है, और क्या क्या था वो तो मैं तो अच्छे से नहीं देख पाई, और लेफ्ट साइड पर भी कुछ था वो भी नहीं मैं ठीक से देख पाई थी। बस जितना जितना आपको दिखा रही हूँ ना, बस इतना ही मैंने देखा था, और उसके बाद वापस चली गई थी मैं। हम क्योंकि हमने जल्दी निकलना भी था, तो हम हल्दीराम आए थे खाना खाने के लिए, तो भूख भी लग रही थी बहुत ज़्यादा, शाम का टाइम ऑलरेडी हो ही चुका था, तो फटाफट से अपना ये क्या लिया था हमने, वड़ा पाव लिया था, और साथ में लिया था हमने मैंगो लस्सी, बहुत ही टेस्टी थी, और उसके बाद हमने चाय भी पी थी। उसके बाद फिर हम अपने घर के लिए निकल चुके थे। मनु ने ना मैंगो लस्सी ली थी अपने लिए, तो मनु से मैंने एक दो सिप टेस्ट किया, इतना टेस्टी लगा कि मैंने बोला कि मेरे लिए भी अलग से मंगवाओ, मुझे पूरी पीनी है। तो मैंने अपने लिए भी मंगवा ली थी मैंगो लस्सी, बहुत ही टेस्टी लगी थी। फिर उसके बाद बस हमने थोड़ी देर ब्रेक लेके चाय पी थी, और अनाया के लिए कैवेंटर से हमने ओरियो शेक ले लिया था, अनाया को बहुत अच्छा लगता है, तो ओरियो शेक वो पी रही है। और उसके बाद हमने थोड़ी देर बाद मट्ठी और चाय इन्जॉय करी थी अपनी। अब इसके बाद हम सीधा आपको घर जाके मिलेंगे, और कार में मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, और मेरे पैरों में सूजन भी आ गई थी, टांगे नीचे लटकी रही ना इतनी देर तक इसीलिए, और बहुत मुश्किल हो रही थी बैठे बैठे। सो तो गई थी थोड़ी देर के लिए, लेकिन बहुत मुश्किल हुई। ऋषिकेश से आके मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था खाना बनाने का, बहुत थक जाते हैं सफ़र से, इसलिए मैंने मन्नू को बोला कि मन्नू मैं खाना नहीं बना पाऊंगी आज, कुछ मैगी से मंगा दीजिए, इसलिए मन्नू ने आज सब मैगी से मंगा दिया, और अब हम मैगी का डिनर कर रहे हैं। yes. अब हम मैगी का डिनर इन्जॉय कर रहे हैं, प्लीज गाइस इन्जॉय करो। बनेगा अरहर दाल चावल, सिंपल खाना, बहुत खा लिया बाहर का। तो गाइस इतनी ज़्यादा थकावट हो गई है कि अब और कुछ करने का मन नहीं है, कोई कपड़े वगैरह भी कुछ भी नहीं निकाला, अब कल ही होगा जो भी होगा, आराम से कल सुबह उठूंगी, नींद पूरी करूंगी, कुछ करा भी नहीं है। लेकिन जो सफ़र की थकान होती है ना, वो आसानी से नहीं जाती है, वो उसको टाइम लगता है, एक दो दिन सेट होने में लगते हैं। तो कल अपना नॉर्मल रूटीन में आ जाऊँगी, लेकिन थोड़ा सा लेट स्टार्ट होगा मेरा कल का रूटीन, और मेरे ना पैरों में सूजन भी आ गई है, क्योंकि इतने घंटे का सफ़र था और पैर में नीचे लटका के रखे वो सूजन आ गई,
मतलब मैं थोड़ी देर के लिए भी पैर ऊपर नहीं कर पाई थी क्योंकि पीछे वाली सीट पे अनाया और मैं बैठे हुए थे और आगे वाली सीट पे सामान रखा हुआ था और मनु ड्राइव कर रहे थे, जिस वजह से मेरे पैर नीचे ही लटके रह गए और हल्की हल्की सूजन आ गई है। तो अब वो भी कल तक ही ठीक होएगी, जल्दी से नहीं होने वाली। तो आपको शायद ये दिख जाएगी, यहाँ पे सूजन आ रखी है ऐसे, और यहाँ पे भी है थोड़ी सी, एंकल पे भी है हल्की हल्की, यहाँ तक है बस। तो ये सूजन शायद कल तक ठीक होएगी, अगर नहीं होएगी तो कल मैं गर्म पानी में इसको भिगोऊंगी, अपने पैरों को डुबो के रखूंगी कम से कम आधे घंटे के लिए तेज़ गर्म पानी में नमक डाल के। उससे क्या होगा, मेरे पैरों की सूजन ठीक हो जाएगी और पैरों को भी आराम मिलेगा। तो ये सूजन को ठीक करना है कल, तभी आराम से काम हो पाएगा। तो हो जाएगी ठीक, ज़्यादा नहीं है, एटलीस्ट दर्द वाली नहीं है। कई सूजन होती है ना जिसमें पैर में दर्द रहता है, वो तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत चलते हुए महसूस होता है कि कुछ तो है पैर में। ये राइट वाला पैर है, इस पे कम है, इस पे थोड़ी सी कम है। हाँ, कैसे नसें दिख रही हैं आपकी? ये राइट वाले पैर पे थोड़ी सी कम है, लेफ्ट पे ज़्यादा थी, ज़्यादा है मतलब, और ये राइट वाले पे कम है। तो बस ये थे हमारी ट्रैवलिंग व्लॉग, आई होप आपको हमारी ट्रैवलिंग व्लॉग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करना और हमारे वीडियोज़ को इन्जॉय करना, हमने भी बहुत इन्जॉय किया ऋषिकेश में। ऋषिकेश का ट्रिप बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा, ऋषिकेश। और नेक्स्ट टाइम भी अगर मैं कहीं जाना चाहूँगी और मुझे कोई पूछेगा तो मैं यही कहूँगी कि मुझे ऋषिकेश ही जाना है, ऋषिकेश। हाँ, ज़्यादा हिली एरिया में मैं नहीं जा पाती हूँ क्योंकि ना अस्थमा की वजह से मुझे थोड़ी दिक्कत होती है, तो इतना मैं हिली एरिया बर्दाश्त कर लेती हूँ, जैसे ऋषिकेश हो गया, हरिद्वार हो गया। ज़्यादा हिली एरिया तो मतलब मैं नहीं वो टॉलरेट कर सकती क्योंकि मुझे अस्थमा है और डर लगता है कि कहीं तबीयत ना खराब हो जाए। मैं छोटी मोटी जगह को कवर कर सकती हूँ, जैसे नैनीताल हो गया, ऋषिकेश। अस्थमा इसलिए हुआ था क्योंकि वो बहुत सारी स्टेयर्स चढ़ी थी। नैनीताल में मेरे को अस्थमा अटैक आया था और वो बहुत ही डेंजरस चीज़ थी मेरे लिए, और वो फर्स्ट टाइम डिटेक्ट हुआ था मेरे को अस्थमा। मुझे पता भी नहीं था कि मुझे अस्थमा है और मुझे सीधा अस्थमा अटैक हुआ था, तो वो स्टोरी भी बताऊंगी किसी दिन। तो चलो, तो मैं बहुत छोटी सी थी। हाँ, ये बहुत छोटी सी थी, उनको याद भी नहीं। हाँ, क्या हुआ था ये डेट, पौने दो साल समथिंग कुछ ऐसा ही थी। तब तो क्या ही होगा, मम्मा बता रहे थे कि मम्मा बता रहे थे कि मैं बहुत रो रही थी उस टाइम। हाँ, ये मेरी हालत देख के इतना रो रही थी, ये डर गई थी कि पता नहीं मम्मा को क्या हो गया। और मैं अकेली थी उस टाइम होटल रूम के अंदर, और सब उस टाइम जैसे वो कर रहे होते हैं ना, रूम देख रहे होते हैं कि ये हमारा रूम वो रूम। हम सब दीदी वगैरह के साथ गए थे, तब मेरी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो कोई नहीं, वो टाइम भी निकल गया, वो स्टोरी भी बताऊँगी किसी दिन, आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये थे मेरे ट्रैवल व्लॉग्स, और मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और हमें ढेर सारा प्यार देना। हर हर गंगे, हर हर महादेव। सो बाय बाय एंड टेक केयर गाइज़।